नमस्कार स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर आज हम करेंगे बंगला भाषा उद्भव व विकास तो आइए जानते हैं देखिए सबसे पहले बात करें तो बंगाली भाषा इसे क्या कहा गया है बंगला भी कहा जाता है ये बांग्लादेश की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनी विशेष पहचान रखती है यह लेखन प्रणाली कौन सी अपनाती है ब्राह्मिक लिपि जो कि दुनिया में छठी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली है दक्षिण पश्चिमी एशिया के बंगाल क्षेत्र के मूल निवासी बंगाली कहलाते हैं और अट्ठानवे प्रतिशत बांग्लादेशी लोग बंगाली को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं अब अगर इसकी भारत में बात करें तो भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है ये भारत के पश्चिमी बंगाल उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा असम राज्यों के कुछ प्रांतों में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है भाषाई परिवार की दृष्टि से यह हिंदी हिंद यूरोपीय भाषा परिवार का एक सदस्य है तो भारत के बहुत सारे इलाकों में बंगला भाषा का प्रयोग किया जाता है खासकर पश्चिमी बंगाल में तो ये भाषा मुख्य भाषा है ही लेकिन इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में भी इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है अब अगर इसकी विकास क्रम को देखें तो बंगाली भाषा का संबंध तीन, तीन पैंतीस सौ ईसा पूर्व इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से माना जाता है कई लोग मानते हैं कि इसका जन्म संस्कृत से हुआ लेकिन विद्वानों और भाषाविदों का मानना है कि ये मगधी प्राकृत और पाली जैसी इंडो आर्यन भाषाओं से निकली है उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आधुनिक बंगाली तुर्की पुर्तगाली फारसी या अंग्रेजी से लिए गए शब्दों का उपयोग करता है बंगाला जो बंगाली या बंगला भाषा है इसके विकास को हम तीन चरणों में विभाजित करके देख सकते हैं पुरानी बंगाली मध्य बंगाली और आधुनिक बंगाली तो आइए देखते हैं देखिए पुरानी बंगाली या प्राचीन बंगला साहित्य की अगर बात करें तो इसका समयकाल है 950 से लेकर 1200 सौ ईसा ईस्वी तक पुरानी बंगाली भाषा लगभग या प्राचीन बंगला भाषा लगभग 650 सौ ईस्वी पूर्व की है जब पुजारियों और विद्वानों ने बंगला में साहित्यिक कार्यों में संस्कृत का व्यापक रूप से उपयोग किया था यानी यहाँ पर यह संस्कृत प्रधान भाषा है हालांकि बांग्ला साहित्य के इतिहास में यह एक अंधकारमय क्षेत्र है दरअसल इस समय के साहित्य के निशान बहुत कम है तो हम ये ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस समय मुख्य रूप से कौन सी भाषा इस्तेमाल की जा रही थी क्या बंगला भाषा भी इस समय स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाई जा रही थी अब तक जो पाया गया है उसमें सबसे पुराना ग्रंथ जो हमें मिलता है वो क्या है चर्यापद है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है ये बौद्ध धर्म पर आधारित ग्रंथ है और इसीलिए रहस्योद्घाटन की रहस्य में कविताओं का एक संग्रह इसको माना जाता है इसकी उत्पत्ति आठवीं से लेकर बारहवीं शताब्दी के बीच में स्वीकार की जाती है तो ये वो समय काल है जब हम मानते हैं कि बंगला भाषा साहित्यिक कार्यों में प्रयोग की जा रही थी लेकिन किस पर आधारित यानी यहाँ पर संस्कृत प्रधान है संस्कृत की शब्दावली या संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग किया जा रहा है उसके बाद मध्यकालीन बंगला साहित्य की बात करें तो ये समयकाल 1200 सौ ईस्वी से लेकर 1800 सौ ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है चौदवी शताब्दी के दौरान मुस्लिम आक्रमणों ने बंगाल की सल्तनत की स्थापना की सल्तनत ने बंगाली को क्षेत्र की आधिकारिक अदालती भाषा घोषित किया और यह बहुत जल्दी ही बंगला की स्थानीय भाषा बन गई हालांकि अगर हम देखें तो बंगाली भाषा का ये संस्करण जिसे मध्य बंगाली या मध्यकालीन बंगला के नाम से जाना जाता है अभी भी आधुनिकता से बहुत ज़्यादा अलग था सोलहवीं शताब्दी में मुगलों ने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया वे अपने साथ जो समृद्ध फारसी भाषा लाए थे उसने भाषा को प्रभावित करना शुरू कर दिया यानी बंगला या बंगाली भाषा के साथ साथ अब जो उस समय स्थानीय भाषाएं बोली जा रही थी या जो संस्कृत का प्रभाव था उसके साथ साथ फारसी फारसी भाषा का प्रभाव भी अब बंगला या बंगाली भाषा पर दिखाई देने लगा था उसके बाद आधुनिक बंगला साहित्य की अगर बात करें तो इसका इसका जो समय काल है 1800 से लेकर 1950 सौ ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है आधुनिक बंग बंगाली भाषा ने सत्रह सौ ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल के नादिया क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली से आकार लिया यानी इसका प्रारंभ बंगाल के नादिया इलाके से हुआ जो बोली उस समय बोली जा रही थी उसी का निखरा हुआ रूप हम आधुनिक बंगला साहित्य में देखते हैं हालांकि भाषा को औपचारिक और आकस्मिक किस्सों में विभाजित किया गया था जिन्हें शुद्धो भाषा और चोलिटो भाषा के रूप में जाना जाता है इसमें मुख्य रूप से मगधी प्राकृत और पाली का शब्दावली आधार शामिल है लेकिन अन्य भाषाओं के उधार शब्द भी इसमें शामिल हैं तो ये वो समय काल है जब अन्य भाषाओं चाहे वो मगधी है प्राकृत है पाली है इसके साथ साथ संस्कृत से पहले ही प्रभावित है लेकिन इसके साथ साथ अरबी फारसी के जो शब्द थे उनको भी इस भाषा में धीरे धीरे शामिल कर लिया जिसका परिवर्तित रूप हम आधुनिक बंगला साहित्य के रूप में देखते हैं तो इस प्रकार इन तीन भागों में हम बंगला साहित्य को विभाजित करके इसकी विवेचना या इसका विश्लेषण कर सकते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि बंगला साहित्य का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ उसका आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ये उपयोगी जानकारी सिद्ध होगी तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें